कासिम नगर में जो महिला देह व्यापार के धंधों में जिसका नाम आता है, उस महिला के बारे में पता चला कि उसके पास वो लड़की है। माता जी, लब्बी कुड़ी? हाँ लब्बी। अच्छा कुछ लब्बी उस दिन दे जिले आसो तक गए है नहीं लब्बी ही? अरे फिर गए अस पुलिस गई। अच्छा अस गए पुलिस ले ही है, फिर असे उनके अंदर तो ईश्वर ने अंदर नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक सिंह दैनिक स्टेट समाचार से। हमने आपको कासिम नगर से कुछ तस्वीरें दिखाई थी जब पुलिस वहां पर रेड कर रही थी, उस समय तस्वीरें दिखाई थी और हमने आपको बताया था कि वहां पर एक लड़की जो नाबालिग लड़की है जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष है, वो पिछले एक डेढ़ महीने से अपने परिवार वालों से बिछड़ गई थी और शायद उसका अपहरण किया था, क्या किया था, बहलाया फुसलाया था, किस तरह से उसे कासिम नगर में जो महिला देह व्यापार के धंधों में जिसका नाम आता है, उस महिला के बारे में पता चला कि उसके पास वो लड़की है। वहां पर पुलिस ने रेड की थी, उस समय हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी और उस समय उस लेडी को गिरफ्तार किया गया था लेकिन लड़की रिकवर नहीं हुई थी। तो अब हम आपको खबर बताने जा रहे हैं कि वो लड़की जो है वो रिकवर हो गई है। उस महिला के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है, इसके अलावा दो और लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। तो मैं आपको पहले नाम बता दूं किन किन लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। स्वर्णा देवी, शंकर सिंह और पूजा देवी के ऊपर मामला दर्ज हुआ है पॉक्सो एक्ट। इसके अलावा 366A, 342, 344, 34 IPC के तहत ये मामला जो है वो दर्ज किया गया है। अब ये लड़की रिकवर हो गई है और आप सोचें कि इस कासिम नगर के अंदर क्या क्या गोरख धंधे होते हैं। एक छोटी नाबालिग बच्ची जिसको अभी संसार को सही से जाना भी नहीं, उसे पता भी नहीं होगा, उसके साथ इस तरह का वहां पर व्यवहार हो रहा था। उसके माता पिता उस दिन गुहार लगा रहे थे कि हमारी बच्ची को जो है वो छुड़ा लो, बचा लो, यहाँ पर उस देखा है। जब ये इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई तो वहाँ के ही कुछ लोग, एक तो उनकी भाषा शैली ऐसी होती है कि इतना बलगरली ये लोग टॉक करते हैं कि कोई सुन नहीं सकता, महिलाएं भी। लेकिन उसके बाद सुनने में आया है कि ये आईजी के पास, एसएसपी के साथ पास ना जाने कहां कहां जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहां पर कुछ बागे बहू में कुछ पुलिस के अधिकारी हैं जो सही से काम नहीं कर रहे हैं, या उनको यहाँ से हटा दो। शायद उसके पीछे मंशा ये है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो स्पष्टता से काम कर रहे हैं, वो हट जाएं और फिर वही धांधली जो पहले हुआ करती थी कासिम नगर के अंदर वही चलती रहे, उनका गोरख धंधा चलता रहे, उन्हें कोई पूछने वाला ना हो। लेकिन वो माता पिता जिनकी बच्ची इनसे बिछड़ गई थी, इनसे बात करेंगे, ये हमारे साथ यहाँ पर हैं। अच्छा माता जी, लब्बी कुड़ी? हाँ लब्बी। अच्छा कुछ लब्बी उस दिन दे जिले आसो तक गए है नहीं लब्बी ही? अरे फिर गए अस पुलिस गई। अच्छा अस गए पुलिस ले ही है, फिर असे उनके अंदर तो ही स्वर्णा अंदर स्वर्णा के घर के अंदर तो ही। हाँ अच्छा पुलिस के थ्रू आंदी है चेता कड़ी है। अच्छा हाँ तो महाराज ये नहीं, जनानी की सख्त कार्रवाई होना चाहिए, सजा होना चाहिए सी जनानी, ठीक है। अस मरीए तुपी तुपी है, अगर इसने ऐसा काम करना था, कोई तरफदारी करनी, इन्हें पुलिस की रिपोर्ट देनी है, ठीक है। इसने असें बच्ची नहीं दी। अच्छा हाँ इसी सख्त सजा मिलना चाहिए जनाब। अच्छा, थोड़ा शुरुआत को मैं जानना चाहेगा, किन्ने चिर पहले थोड़े को कुड़ी बिछड़ी ही? जनाब महीना डेढ़ हुई। अच्छा एक डेढ़ महीना हुई। अच्छा गड्डी बुलाया, गड्डी लेइए गई, पता ना पाइए लिया।
ਆਖਿਆ ਕੱਖ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾ ਬੰਦ ਕਰ ਉੜੀ ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੇ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕੁੜੀ ਕੁੱਤੇ ਗਈ ਅਸ ਮਰੀਏ ਤੁਪੀ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਗਾਉੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੜਾਈਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਮਾਂ ਜੋ ਅਸ ਮਰੀਏ ਭੈਣ ਮੁਲਕਾ ਤੁਪੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੁੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਜ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਥਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੁੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਾ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਉਹ ਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਦਾ ਤੇ ਉਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਛੱਪੀਏ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਮੀ ਲੈ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਤਾਂ ਆਸਾਈ ਹੈ ਆਏ ਜੇਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਦਾ ਛਿੜਕਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉਪਰਾ ਮਾਰਨਾ ਸਾਰੇ ਆਈਏ ਮਾਰਨੇ ਆਈਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਮਾਰਨੇ ਆਈ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਆਈਏ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖੂਗੀ ਛਿੜਕਾਈਏ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਬਸ ਵੀ ਆਣੀ ਪੁਲਿਸ ਲੈਤੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਆਨ ਦਿਆ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੋ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਜਾ ਦੇਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਪਤਾ ਨੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਹੈ ਕੁਦੈ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਧਰ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਆਖਾ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਰਾਜਪੂਤੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੌੜਦੇ ਆਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਗਈ ਮਿਗੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਮਿਗੀ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਦੀ ਮੈਂ ਦੌੜਦੀ ਜਿਪਸੀ ਪਕੜੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਲੱਭੀ ਜਨਾਬ ਉਸਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋਏ ਤੁਪਦੇ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਗਾ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਬਾਗੇ ਜਾਓ ਉੱਥਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਈ ਦੌੜਦੀ ਅੱਗੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਤੇ SHO ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਤੀਆਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਫਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਅਸੀਂ ਆਣੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਧਮਕਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜਨਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਇਹ ਆਖਦੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸਾਲ ਦੀ ਨਾ ਬਸ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰ ਛੱਤੋਂ ਚੜੀ ਨਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਜੋ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਅਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਕੰਨੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਧੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਣੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕੁੜੀ
ते मैं लेनी कुड़ी इन्हें कम से क्या होना चाहिए, इसी जेल होना चाहिए, सजा 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 होना चाहिए थी। सी इसी जगह मेरा ऐसा मेरी बच्ची ने एक ही था। तो ये देखें आप किस तरह का ये मामला है। बच्ची को जैसे ये बता रहे हैं कटरा में थी बच्ची, तो वहाँ पर बच्ची जो है उसको लेने के लिए ये जाती है, जो लेडी बता रहे हैं तो लेने के लिए जाती है, तो उसको कहती है कि तुम गाड़ी में बैठो और फिर गाड़ी बंद करके उसे ले आते हैं। इस तरह से ना जाने कितनी बच्चियां हैं यहाँ कासिम नगर में, इन लोगों ने यहाँ पर बंद किए हैं और ऐसे ये बता रहे हैं, चार पांच तो देखी हैं और भी होंगी, रिश्तेदार रिश्तेदार कह के और बर्तन मांजने के लिए बर्तन साफ करने के लिए लाई हुई हैं। तो ये हमें लगता है कि इंक्वायर होना चाहिए कि वहाँ पर है क्या, और पुलिस को भी डर है क्योंकि पुलिस के अधिकारी भी जब ये वहाँ पर रेड कर रहे थे तब हम वहाँ पर स्पॉट पे थे, तो वो कहते कि देखो ये हम पर भी रेप केस डलवा सकती हैं, और उनका व्यवहार देखकर लगता था कि वो सच में ये कर सकती थी। सभी लोग डरे सहमे दूर दूर से, जो लीगल तरीका था जिस तरह से भी अपना बचाव करते हुए जो वो कर सकते थे उन्होंने किया। तो वो लड़की रिकवर कर ली गई है, लड़की की उम्र मात्र 14 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ मिला जा रहा है, और ये लोग कौन मिल रहे हैं जो शायद हो सकता है उन्हीं लोगों के साथ, जिन जो लोग ये गलत धंधे में शामिल हैं उन्हीं लोगों के साथ मिले हों और उनका भी कुछ उसमें इंटरेस्ट हो या कुछ शेयर हो, तो वो लोग जो हैं वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, और जो जहाँ पर ईमानदार पुलिस के अधिकारी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हट जाएं और वो लोग वही गोरख धंधा फिर से चालू करें जो करते रहे। लेकिन इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।